सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और व्यवसायियों से विरोध स्वरूप दुकानें बंद रखने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने मूल्य वृद्धि के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष तिलक राज सिंह ने किया। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसी राम अशोक शर्मा, यूथ अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेसियों के द्वारा शहर में भ्रमण कर शांति तरीके से दुकानों को बंद कराया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि भाजपा की सरकार मूल्य वृद्धि पर कोई कदम नहीं उठाती तो विरोध में व्यापक आंदोलन होगा। डीजल पेट्रोल के महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश की आम आवाम जनता और किसान सब में और सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं आज, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी कभी परेशान नहीं किया है। परेशान लोगों को निजात देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है हमेशा, इसका इतिहास है। अभी आप सबको हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय ने बड़े विस्तार पूर्वक आप सबको बताया है, उसी का मैं समर्थन करता हूं। केवल एक शब्दों में हिदायत देता हूं कि यदि किसानों के खिलाफ किए गए कानून को वापस नहीं दिया गया और मूल्य वृद्धि वापस नहीं हुई तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।